दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती, दोनों ही भर्तियों का शॉर्ट नोटिफिकेशन है अर्थात संक्षिप्त जो भर्ती विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। अब आप लोगों को एक कन्फ्यूजन सुबह से क्रिएट हो रहा होगा कि साहब 7860 पद थे नर्सिंग ऑफिसर में तो, लेकिन ये 7020 ही पद क्यों हुए, ठीक है, इस पर भी बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों काफ़ी और सारे आप लोगों के मन के जो डाउट्स हैं, दो तीन डाउट्स हैं वो ऑब्वियसली मैं बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और ये जो 7860 को 7020 किया गया है इसको लेकर के पैनिक होने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। सिफू ने भी यहाँ पर प्रेस नोट जारी कर दिया है। काफ़ी लोगों को क्या है कि वेबसाइट पर बहुत सारा यकीन होता है, तो उस यकीन को भी आप लोग देख लीजिए भाई, विश्वास में तब्दीली कर लीजिए। ये सिफू की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ से देखिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सिफू की वेबसाइट है। और यहाँ पर आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 और फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2023 शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी जानकारी डाल दी गई है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है जिस वेबसाइट से आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे उस वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है शॉर्ट नोटिफिकेशन को लेकर। अब हम आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संक्षिप्त विज्ञप्ति 25/4/2023, ठीक है। और ये 2859 पदों के लिए निकाली गई है फार्मासिस्ट भर्ती, हालांकि इसमें 2880 पद थे, तो इसमें कुल 21-22 जो पद हैं वो कम किए गए हैं, ठीक है। अब इसके जो फोरम हैं 5 मई से स्टार्ट होंगे और 4 जून इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आप दोस्तों एक और बात सुन लीजिए, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के कुछ मिस्टेक हो गई थी फॉर्म में, यानी कि वो एडिट की बाट जो रहे थे, रहा देख रहे थे कि एडिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन उन्होंने तो भर्तियां निरस्त कर दी, अब नए सिरे से भर्ती निकाल दी है, तो दोस्तों जिन्होंने फॉर्म पहले भर दिया था उन्हें भरने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस किसी को अगर अपना कुछ इसमें एक्सपीरियंस ऐड करना है या जो कुछ भी ऐड करना है उन लोगों के लिए ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। और दोस्तों डिटेल जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो लोग पहले फीस दे चुके हैं, ठीक है, पहले फीस दे चुके हैं यानी कि 350-250 जो पैसा दे चुके हैं आप लोग फीस के रूप में, वो भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, वो तो फीस की बात क्लियर हो गई। जिनका पहले फॉर्म बिल्कुल अच्छी तरीके से भरा गया, जिनको कुछ भी एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें कुछ और नया करने की आवश्यकता नहीं है, उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो फॉर्म है उसको अपडेट किया जा सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी बात, जिनकी एक्सपीरियंस से नए बनेंगे, ठीक है, मान लीजिए किसी के पास 2 साल का था और अब 3 हो गए पूरे, तो उसको मात्र 1 साल के एक्सपीरियंस बनवाने की आवश्यकता होगी, तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस अपना ऐड कर सकेंगे। बहुत सारे कोविड हेल्थ असिस्टेंट जो बच्चे हैं उनको कन्फ्यूजन है कि साहब हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्या होगा, तो जिन CHA ने पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लिए थे उन्हें भी शायद बनवाने की आवश्यकता दोबारा नहीं होगी, वो अपना ऐड कर पाएंगे, ठीक है। और ये डिटेल में जब नोटिफिकेशन आएगा साथियों 1-2 दिन के अंदर, तो आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो फार्मासिस्ट में 2859 पद हैं। आप बात कर लेते हैं साथियों नर्सिंग ऑफिसर की, नर्सिंग ऑफिसर के जो पद हैं 7020 हैं, तो ये 7860 से 7020 कैसे हुए, इसमें जो मैंने पता किया उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें कुछ पद राजमेश के और 55 पद शायद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के, इस तरीके से कुल 840 जो पद हैं वो यहाँ इन्होंने हटा लिए हैं, ठीक है। हटाने का मतलब ये नहीं कि वो पद आप लोगों को नहीं मिल सकते, मिल जाएंगे। इसके अलावा 1340 जो पद हैं DPC के, DPC अर्थात जो प्रमोशन की जो पोस्ट हैं, तो वो भी आप लोगों को मिल सकती हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ये लगता है कि यार ये तो पद कम कर दिए गए, तो आप लोग संघर्ष कर सकते हैं, चिकित्सा विभाग से पूछ सकते हैं कि ये पद क्यों कम किए। पद कम उनको किया गया है जो राजमेश के कुछ पद थे 700-750 के आसपास, और कुछ पद जो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के थे 55 थे 56 ऐसे कुछ थे, तो इस वजह से इन पदों को उन्होंने रखा है, उन पर फाइनेंस मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जो 840 पद इन्होंने कम करे हैं वो फाइनेंस से स्वीकृति प्राप्त हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर आप लोग करेंगे विभाग पर तो 840 भी दे देंगे और DPC भी दे देंगे। इसके लिए संघर्ष आप लोगों को करना है, हम आपको जानकारी सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसे हुआ है, ठीक है। तो इसके फॉर्म भी 5 तारीख से भरे जाएंगे, 4 जून इसकी लास्ट डेट है दोनों ही भर्तियों की, फार्मासिस्ट की और आप लोगों के नर्सिंग ऑफिसर की। अब बात कर लेते हैं ANM LT RT कब आएगा, तो ये भी दोस्तों 2-3 दिन के अंदर जो है वो आ जाएगा, ठीक है।
एएनएम में 3736 पद होंगे, एलटी में 2205 होंगे, आरटी में 1090 होंगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों को अगले 2-3 दिन के अंदर जो है एएनएम के एलटी आरटी के मिल जाएंगे। इसके अलावा 3 और नोटिफिकेशन आएंगे ईसीजी के, डेंटल के और ऑप्थेलमिक असिस्टेंट के। ठीक है, तो ये 3 नोटिफिकेशन और आएंगे, 3-2 आ चुके हैं, 6 नोटिफिकेशन और आने वाले हैं जिनमें एलटी आरटी, ईसीजी, नेत्र सहायक और आप लोगों का डेंटल टेक्नीशियन वो भी आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों, जो फॉर्म पहले भर चुके हैं उन्हें भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनका एक्सपीरियंस है जिन्हें ऐड करना है वो ऐड कर पाएंगे। ठीक है, फीस आप लोगों को नहीं देनी, एक्सपीरियंस के लिए शायद अलग फॉर्मेट की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर दोस्तों दोबारा फॉर्म नहीं भराया गया, वो जो कि नहीं भराया जाएगा, लेकिन अपडेट करवा सकते हैं। अपडेट से मेरा मतलब ये है कि जैसे 2022 में विज्ञप्ति निकली तो आपके पास जो प्रिंट आउट है वो 2022 का है, तो आप लोगों के एप्लीकेशन आईडी, ठीक है, क्या एप्लीकेशन आईडी जो है उसको डाल करके आप नए जो सर्वर है जो फॉर्म भरने का उस पर जब डालेंगे तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे आप लोगों की। ठीक है, जो भी डिटेल्स आप लोग एडिट करना चाहें, जो भी डिटेल्स आप पुनः फिल करना चाहें, वो लोग आप भर पाएंगे। फीस पहले आप लोग दे चुके हैं तो फीस की आवश्यकता नहीं होगी। और बात यहाँ पर न्यू फॉर्म, ठीक है, किसी बच्चे ने उस टाइम पे फॉर्म नहीं भरा, यार सीट बहुत कम थी, क्या करें क्या नहीं करें, नहीं भर पाएंगे हम तो नहीं भरेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो न्यू फॉर्म भी भर सकेंगे, नए फॉर्म भी भर सकेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि भाई पहले जो भर चुके वही भरेंगे, नए फॉर्म भी भर सकेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं, एक और बात यहाँ पर बहुत काम का वीडियो, बहुत ख़ास वीडियो है। दूसरी बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है कि यार CHO को तो नहीं मिलेगा, CHO को बोनस अंक मिल रहा 15। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इसके एक लिए एक डेडलाइन निर्धारित की गई है, एक तारीख बताई गई, उस तारीख को कोई CHO अगर काम कर रहा था तो वो बोनस के दायरे में आएगा, उस तारीख को कोई CHO काम नहीं कर रहा था यानी कि वो छोड़ के बैठ गया था 1 महीने, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, तो वो शायद उस डेडलाइन से बाहर है, उसको बोनस अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ओवरऑल ये है, जो 31 मार्च 2023 को काम कर रहा था CHO के रूप में, वो 15 अंक का हकदार होगा, जो 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन करके बैठा था, वो शायद इसका हकदार नहीं होगा। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन कल से ये भी है, जब मीडिया में खबर देखी, न्यूज़पेपर में खबर देखी कि 365 दिन के 10 अंक, तो वो जो बोनस अंक 15 वाले मामले हैं, 15 जो बोनस अंक है कोविड के या कोविड काल के UTB, CHA, आदर्श जिनके, उनमें ये बाध्यता नहीं है कि भाई उनके 365 दिन होंगे तभी 15 अंक दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक डेट बताई जाएगी। ठीक है, उस डेट के अंदर अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग को 15 बोनस अंक मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह, जिन CHO ने 1-2 दिन, 5 दिन काम किया, उनको बोनस अंक नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए। जिन्होंने 1 दिन काम किया, बताओ 1 दिन के काम करने के 15 अंक मिलेंगे, तो वो तो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात है ओवरऑल। बाकी नोटिफिकेशन आने पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी। और RNS एजुकेशन न्यूज आप लोग फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह पर, और दोस्तों वेबसाइट पर, ठीक है, वेबसाइट पर आप लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, उस वेबसाइट को आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर हमने फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर दोनों ही भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, क्या क्या चाहिए, कौन सी एज तक का चाहिए, वो हम सब हमने वो आप पर डाल दिया अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, सारी की सारी डिटेल्स बता दी है, हमारी वेबसाइट जो है RNSeducationNews.com, उस पर आप लोगों को सारा डिटेल मिलेगा, फार्मासिस्ट भर्ती का, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का पूरा डिटेल्स यहाँ पर वो आर्टिकल उपलब्ध है, आप लोग पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों आर्टिकल मिल जाएंगे। तो ये जानकारी है साथियों आप सभी के लिए, पद क्यों कम किए गए, पद कम नहीं किए गए हैं, आप लोग टेंशन ना ले, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ये पद जो आपको मिल जाएंगे कोशिशें आपको करनी होगी, साथ ही DPC के पदों के लिए भी अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो वो पद भी मिल जाएंगे। ओवरऑल बात यह है कि टेंशन नहीं लेनी किसी को भी, परीक्षा इसमें नहीं होगी, बोनस प्लस मेरिट जो है उसके आधार पर यह भर्ती की जाएगी। जो पहले प्रोसेस था 2022 में भर्ती निकली थी उसी आधार पर यह प्रोसेस है, इस बार एग्जाम इस बार भी नहीं होंगी। ठीक है ना, तो ये जानकारी थी फिलहाल के लिए, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।